क्वेश्चन नंबर 61 है, सीखने की अक्षमताओं जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसके जो कारण होते हैं उन पे व्यापक रूप से शोध किया गया है। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण नहीं माना जाएगा। तो जो सीखने की जो अक्षमता होती है जिसको हम इंग्लिश में लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं, तो ये लघु एवं दीर्घकालीन स्मृति की वजह से हो सकती है, कोई आनुवांशिक कारण हो सकता है, या सेरिबल कॉन्ट्रेस्ट में दोषपूर्ण वायरिंग, ठीक है। लेकिन माता पिता ने स्कूल में संघर्ष किया है, इसका लर्निंग डिसेबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा कि अगर किसी के माता पिता ने स्कूल में संघर्ष किया है तो इससे ये साबित नहीं हो जाता कि उनके बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी होगी। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना जो हमारा है इंडिविजुअल एजुकेशन पॉलिसी, वो क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 62 है, इसका ऑप्शन ए सही है। एक अनुबंध है जिसका पालन शिक्षकों और पेशेवर कर्मचारियों को करना चाहिए। एक जो अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से कह सकते हो कि मतलब जो शिक्षक, जो पालन शिक्षक होते हैं और जो पेशेवर कर्मचारी है उनको करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 63 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे ऑटिज्म का कारण नहीं माना जाएगा। अगर मिस्टर खान, आई थिंक वो मूवी है शाहरुख खान की जिसमें ऑटिज्म का दिखाया गया है, वो नैना वाला समथिंग गाना है, जब मैंने मूवी देखी नहीं है, थोड़ा ट्रेलर वगैरह देखा था तो उससे थोड़ा ध्यान है, और ऑटिज्म मैंने उसी मूवी को कनेक्ट करके याद किया हुआ है। तो इन्होंने बोला है कि कौन सा कारण नहीं माना गया है ऑटिज्म का, ठीक है। तो धातु, चयापचय विकार, खसरा, कंठमाला और रुबेला का टीका, या न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन का अत्यधिक उत्पादन, या फिर अनुवांशिकी। तो इन चारों में से कौन सा है जिसको आप ऑटिज्म का कारण नहीं मानते हो। तो ऑप्शन जो सी है आपका, वो ऑटिज्म का कारण नहीं होगा, बाकी के जो तीन हैं वो आपके ऑटिज्म के कारण माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 की अगर हम बात करें तो किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है ये आपको बताना है। तो देखो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई बच्चा है जिसको स्पेशल नीड्स, हमें पता चले कि इस बच्चे को स्पेशल नीड्स है इस बच्चे को स्पेशल नीड्स की मतलब इसकी नीड्स है जो हमें फुलफिल करनी है। तो जो समेटिव असेसमेंट होता है या फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है या कॉन्टिन्यूस जो इवैल्यूएशन होता है और या फिर डायग्नोस्टिक, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सी हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको समझा देती हूँ। देखो, एक होता है ना निगमात्मक मूल्यांकन, एक जो उसका वो होता है उपचारात्मक। तो डायग्नोस करते हैं पहले, बीमारी का पता लगाते हैं तभी तो इलाज करेंगे ना, तो डायग्नोस करते हैं पहले, हम फाइंड आउट करते हैं तब हम उसको उपचार करते हैं। तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो पता तो तभी लगाओगे ना जब डायग्नोस करोगे, ठीक है। यानी आप मतलब फाइंड आउट करना एक तरीके से। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, पाठ्यक्रम आधारित मूल्यांकन मुख्य रूप से छात्रों के डैश के बारे में जानकारी प्रदान करता है। पाठ्यक्रम आधारित मूल्यांकन जो हमारा करिकुलम बेस्ड इवैल्यूएशन होता है, वो मुख्य रूप से छात्रों के मतलब किस चीज़ के बारे में वो जानकारी प्रदान करता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि विशिष्ट शैक्षणिक कौशल प्राप्त करने में प्रगति, ठीक है। तो इसमें विशेष सेवाओं के लिए पात्रता की मतलब बच्चा किसी अच्छी मतलब कोई विशेष सेवा के लिए वो पात्र हो जाए, तो ऐसा तो है नहीं, ऐसा मूल्यांकन तो होता नहीं हमारे करिकुलम का, है ना। भावी शैक्षणिक सफलता के लिए योग्यता कि आगे आने वाले उसमें मतलब जो एजुकेशन का रहेगा उसका, उसको सफलता मिल जाए, उसको इसे योग्य बनाना, या फिर शैक्षणिक उपयोग के लिए सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता। कहने को ये तीनों हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बेस्ट की बात करें तो यहाँ से मुख्य रूप से इन्होंने पूछा है छात्रों के किस बारे में वो जानकारी प्रदान करता है। वो बेसिकली जानकारी हमें देता है विशिष्ट शैक्षणिक कौशल प्राप्त करने में प्रगति, कि बच्चे ने जो कुछ विशिष्ट शैक्षणिक कौशल है उनको किस लेवल तक उनको प्राप्त कर लिया है, ठीक है, वो है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है, व्यवहार संशोधन में प्रयुक्त तकनीकें। अभी हमने 65 किया था, अब हमारा 66 है। व्यवहार संशोधन में बिहेवियर चेंज करना है उसको,
बिहेवियर चेंज करने में कौन कौन सी तकनीकें यूज़ होती हैं, यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास। तो इसमें है कि व्यवहार संशोधन में, तो इसमें है व्यवहार संशोधन में प्रयुक्त तकनीकों में किसी न किसी प्रकार की ऑपरेट कंडीशनिंग शामिल होती है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है डी। तो देखो, व्यवहार जो संशोधन है यहाँ पे पारस्परिक संबंधों पर ध्यान देती है, सीखने के सिद्धांत का इस्तेमाल करती है, मनोवैज्ञानिक समस्याओं की बहुत सीमित शब्द ये नहीं होगा। तो देखो, ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है, ठीक है, ये आपको बतानी है मुझे, एक तो कमेंट करके ये किसने दी है ये थ्योरी, ठीक है। तो जो बिहेवियर के ऊपर जो थ्योरी दी है तो वो किसने दी है और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है आपका। तो उसमें क्या होता है कि ऑपरेट कंडीशनिंग जो होती है, जो हम कंडीशनिंग कर देते हैं एक तरीके से माइंड की, वो किसी न प्रकार की ऑपरेशन कंडीशनिंग शामिल होती है व्यवहार संशोधन में, ठीक है। तो ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप मुझे अभी कमेंट करके बताएंगे कि इसका जो है ऑप्शन जो है किसने दिया ऑपरेट कंडीशनिंग की थ्योरी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर इसको इंग्लिश में एक बार चेक कर सकते हैं हम लोग। द टेक्निक्स यूज इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन तो इन्वॉल्व सम सॉर्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी किसने दी है ये आपको बताना है और आपको पता भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 है, जो छात्र दृष्टिहीन है उन्हें अवधारणाओं को पढ़ाने में शामिल होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए? जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनको अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या शामिल होना चाहिए? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मौखिक में वो बच्चा सुन रहा है, सुनने में भी वो सुन ही रहा है, दृष्टि संपन्न के लिए उपयोग किए जाने शिक्षण रणनीति, रणनीतियाँ तो आप बना रहे हो ना, स्पर्श अनुभव कभी भी देखना कि दृष्टिहीन बालकों के लिए स्पर्श अनुभव बेस्ट वो माना जाता है कि बच्चा छूकर चीज़ें महसूस करता है, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। तो आप इसको समझ सकते हैं, वो ऑप्शन कुछ चीज़ें तो हमें ऑप्शन देख के पता चल जाती है। उसके बाद यहाँ पे है विकलांगों की एकीकृत शिक्षा परियोजना, जिसकी फुल फॉर्म सॉरी शॉर्ट फॉर्म है PIED, किसके द्वारा लागू की गई थी ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 68 जो है हमारा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा NCERT, ठीक है। तो NCERT के द्वारा जो है इसको लागू किया गया था, कब लागू किया गया था ये आप मुझे कमेंट करेंगे। एंड इसके अलावा ये यहाँ पे आपके पास 5 फुल फॉर्म हो गई है, इन पांचों की फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना। और ये कब कब ये जो चीज़ें हैं या जो ये क्या बोलते हैं परिषद है या आयोग है या बोर्ड है, कब बने थे ये भी आप मतलब अपना एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, इसे गूगल से फाइंड आउट कर लेना, ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सीखने के एक सार्वभौमिक डिज़ाइन का सिद्धांत नहीं है? ये नहीं वाले को ज़रा थोड़ा सा अच्छे से पकड़ के रखा करो। इन्होंने बोला है निम्नलिखित में से कौन सीखने के लिए सार्वभौमिक डिज़ाइन का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 69 है, इसका जो आपका सही उत्तर है वो है आपका भागीदारी का सिद्धांत, ठीक है। देखो, सार्वभौमिक डिज़ाइन का सीखने की सार्वभौमिक डिज़ाइन, प्रस्तुति का सिद्धांत आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को, अभिव्यक्ति का सिद्धांत, ठीक है, प्रेजेंटेशन हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, और किस तरीके से आप पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, ठीक है। भागीदारी का सिद्धांत नहीं हो सकता सीखने में, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। तो सार्वभौमिक की बात हुई है, यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल में आपका प्रिंसिपल ऑफ इन्वॉल्वमेंट यानी कि भागीदारी का सिद्धांत नहीं आएगा कि आप कितने भागीदार हैं कितने नहीं, तो ये एक तरीके से सार्वभौमिक सिद्धांत में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 है, गंभीर दृष्टि दोष वाले छात्रों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी शैक्षणिक रणनीति नहीं है? इन्होंने नहीं पूछी है गंभीर दृष्टि दोष वाले छात्रों को शामिल करने के लिए कौन सी एक प्रभावी रणनीति नहीं है। तो उनके लिए आप लोग दृष्टियात्मक देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करेंगे, फेल्ट किताबें और फेल्ट बोर्ड, त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, साफ और स्पष्ट बोलना। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो आप यूज़ नहीं करेंगे,
तो इसमें ये आ जाएगा दृश्यात्मक देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बाकी के आपके तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 है, 71 है यहाँ पे। फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार सुपर ईगो की क्या भूमिका है? सबसे पहले तो ये याद कर लो कि जो मनोविश्लेषण का सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो वो सिगमंड, जो पूरा नाम है इनका सिगमंड फ्रायड, तो इन्होंने दिया है। और इड ईगो, सुपर ईगो इन्होंने दिया है कॉन्सेप्ट, तो उसमें जो सुपर ईगो है उसकी क्या भूमिका है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन हमारा ए सही है। यहाँ पे जो सुपर ईगो है वो बताती है कि यह नियमों और निषेधों को स्थापित करता है और हमें बताता है कि हमारे जो आईडी आवेगों को ख़त्म करने के लिए अपराध बोध का उपयोग करके क्या करना चाहिए, ये हमें बेसिकली क्लियर करता है सुपर ईगो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, विलुप्ति है, तो आपको बताना है कि जो विलुप्ति है वो क्या है। तो विलुप्ति को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटिंक्शन, तो विलुप्ति क्या है, विलुप्त हो जाना है ना एक तरीके से, तो वो क्या है। तो 72 का आपका जो आंसर है वो है सी, किसी भी सुदृढ़ीकरण को हटाना जो अवांछित व्यवहार से जुड़ा हो सकता है, ठीक है। विलुप्त करना एक तरीके से, जो किसी भी सुदृढ़ीकरण को हटाना, ठीक है, जो अवांछित व्यवहार से जुड़ा हुआ है। एक बार इसको इंग्लिश में रीड आउट कर लेते हैं। यह है रिमूवल ऑफ एनी री इन्फोर्समेंट दैट माइट बी एसोसिएटेड विद अनवांटेड बिहेवियर। देखो री इन्फोर्समेंट होता है कि हम बच्चे को री इन्फोर्स करते हैं, लाइक उसको प्रेरित करना, अभी प्रेरित करना, उसको अप्रिशिएट करना एक तरीके से। तो हमें इस तरीके का जो अप्रिसिएशन है इस तरीके से, तो कुछ ऐसा जो हम जो ऐसा व्यवहार है जो हम नहीं चाहते, तो एक तरीके से उसको रिमूव करना ऐसे री इन्फोर्समेंट को, जिसके द्वारा मतलब बच्चे में शायद ऐसा कुछ व्यवहार आ रहा है कि वो हम नहीं चाहते, ठीक है, तो उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे तो यही समझ आया, विलुप्ति एक तरीके से हम वैसे इसी को बोलेंगे कि कुछ ऐसा मतलब एक री इन्फोर्समेंट को हटाना, कि कोई ऐसा री इन्फोर्समेंट हटाना जो बच्चे के अवांछित व्यवहार से जुड़ा हो सकता है, कि जो हम बच्चे में नहीं चाहते कि बच्चे के अंदर ये बिहेवियर ऐसा हो, और कुछ ऐसा जो है वो क्या चीज़ है ऐसी री इन्फोर्स कर रही है उस बच्चे को करने के लिए, तो वो जो री इन्फोर्समेंट है जो उसको प्रेरणा मिल रही है उसको हटाना एक तरीके से। होप आपको क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 73 है, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 13 दिसंबर 2006 को। क्वेश्चन नंबर 74 है, साक्षात्कार और मेलिंग जैसी विधियां डेटा संग्रह के डैश स्रोत हैं, ये आपको बताना है। जो साक्षात्कार है लेते हैं बच्चे का, मेलिंग जैसे जो विधियाँ होती है वो डेटा संग्रह के सैम्पलिंग, प्राथमिक, माध्यमिक, अवलोकन, इनमें से कौन सा स्रोत है ये आपको बताना है। तो प्राथमिक है, ठीक है, प्राइमरी डाटा है ये, क्योंकि आप साक्षात्कार खुद ले रहे हैं, आपने किसी के थ्रू डाटा कलेक्ट नहीं किया है, तो इसमें आप खुद चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये प्राइमरी आपका जो है डाटा कलेक्शन का हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में आता है, ये आपको बताना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डेवलपमेंटल रिसर्च, तो ये आपको बताना है। तो व्यवहारिक अनुसंधान, वर्णात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान या उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी आपका जो है सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में आपका व्यवहारिक अनुसंधान आता है, वर्णात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, तीनों आते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है, क्वेश्चन नंबर 76 है यहाँ पे, सभी के लिए शिक्षा, शिक्षा के किस आयाम के अंतर्गत आती है, राजनीतिक, व्यक्तिगत, किफ़ायती या सार्वभौमिक। तो उत्तर आपको पता ही चल गया है, तो सार्वभौमिक आयाम के अंतर्गत जो है हमारी सभी के लिए शिक्षा आती है। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, निम्नलिखित में से
शिक्षा की कौन सी विशेषता सत्य नहीं है, इन्होंने सत्य है नहीं पूछा है, सत्य नहीं है पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर ये आ जाएगा सी। देखो, शिक्षा व्यक्तिगत विकास पर जोर देती है जिससे सामाजिक उत्थान और प्रगति होती है, ये सत्य है। शिक्षा व्यक्तित्व के समग्र विकास पर जोर देती है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करती है एजुकेशन, ये भी सही है। शिक्षा व्यक्ति के भीतर की क्षमताओं को साकार करती है, ये भी सही है। लेकिन शिक्षा एक प्रक्रिया है जो औपचारिक स्कूली शिक्षा के वर्षों तक समाप्त हो जाती है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है, ये शिक्षा के बारे में सत्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्कूल के बाद जो शिक्षा ख़त्म हो जाती है, ये बिल्कुल हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर हमारा 78 है, शिक्षा 77 78, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है, ये कथन किसने दिया? तो ये कथन हमारा दिया था जॉन ड्यूवी ने, ठीक है, किसने दिया था? जॉन ड्यूवी ने। और जॉन ड्यूवी ने हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी दिया है, तो ये भी आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर अब चलिए 79 पे, ट्राइसामी 21 को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है, ट्राइसामी 21 को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 है, इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम है ये, ट्राइसामी 21 के रूप में भी जाना जाता है। और डाउन सिंड्रोम एक टेस्ट होता है, जैसे मुझे एग्जैक्ट वो तो नहीं पता है किस मंथ में होता है, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे बच्चे का पूरा एक डाउन सिंड्रोम टेस्ट होता है, टेस्ट है बेसिकली, टेस्ट का नाम है, और उसमें मतलब फाइंड आउट किया जाता है बच्चा नॉर्मल है या कुछ मतलब स्पेशल बच्चा तो नहीं है, कहीं कुछ बॉडी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, मेंटली कुछ इशू तो नहीं है, तो वही सारा वो है, वो मतलब उसी टाइम चेक कर लिया जाता है बर्थ से पहले। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सीखने की प्रक्रिया में शामिल है, कौन सीखने की प्रक्रिया में शामिल है, ये आपको बताना है, तो 80 का ऑप्शन हो जाएगा डी, पुराने और नए अनुभवों का संश्लेषण करना और संगठन जिसके परिणाम स्वरूप नए पैटर्न बनते हैं, तो ये सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। वे सभी गतिविधियां जो व्यक्ति पर स्थायी प्रभाव छोड़ती है, ये भी शामिल है। अनुभव का अधिग्रहण, प्रतिधारण और संशोधन, तो ये भी होगा, तो हमारे सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही। क्वेश्चन नंबर 81 है, शिक्षकों को शिक्षा दर्शन शास्त्र का अध्ययन इसलिए करना चाहिए, क्यों करना चाहिए हमें, जो हमारा जो एजुकेशन जो है क्या बोलते हैं एजुकेशन फिलॉसफी है उसकी जो हमें स्टडी क्यों करनी चाहिए, उन्हें यह पता नहीं है या दर्शन शास्त्र सभी अनुशासनों की रीढ़ है, वे दर्शन शास्त्र के निहितार्थ को समझकर अपने काम में सुधार कर सकते हैं, या फिर ए या बी दोनों, तो 81 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि अगर हम दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं एज बीइंग अ टीचर, तो हमें उसके उसमें जो अर्थ छुपा हुआ है उसको समझकर हम अपने जो काम में सुधार कर सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर हम 82 पे चलते हैं, समावेशी कक्षा की एक प्रमुख विशेषता ये है, क्या है, कई बार करवा चुकी हूँ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षक कक्षा में विविधता के दायरे के साथ कक्षा का आयोजन करता है, इसमें भी शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बिल्कुल भी नहीं, सभी की देखभाल करता है, शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति क्यों, ठीक है, सहानुभूति जहाँ दिखे गार्ड देना बिल्कुल उसको, शिक्षक CWSN की मदद के लिए पेशेवरों की सहायता लेते हैं, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया था, जो लोग मेरे चैनल से कनेक्टेड है उनको पता होगा इसका आंसर, और मैं कई बार ये करवा चुकी हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 83 का आपका आंसर हो जाएगा 1987, क्या हो जाएगा, मेंटल हेल्थ एक्ट, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1987 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 है, एक रचनात्मक छात्र की पहचान निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा की जाती है, एक रचनात्मक छात्र की पहचान निम्नलिखित में से आप किस तरीके से जानेंगे कि कोई बच्चा क्रिएटिव है, तो वह किसी प्रश्न का सही उत्तर देता है, समय पर मौलिक विचार व्यक्त करता है, उत्कंठा से दूसरों से बहस करता है, या फिर किसी समस्या का व्यवस्थित तरीके से समाधान करना, तो समस्या पर मौलिक विचार करता है, तो ये हमारा तो हम मान सकते हैं कि हाँ वो बच्चा क्रिएटिव है, ठीक है।
मतलब एक्सप्रेसिंग ओरिजिनल आइडिया, ओरिजिनल आइडिया मौलिक मतलब ओरिजिनल आइडिया, जो कुछ नया सोचते हो तो आप क्रिएटिव हो, है ना, तो सीधा है तो आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के तहत विकलांगता शब्द के दायरे में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर आ जाएगा सी, मानसिक मंदता। 85 का आ जाएगा सी। अभी थोड़ा सा मैं इसको समझा देती हूँ। जो हमारा PWD एक्ट आया था 1995 में, जो कि 1996 में लागू हुआ था, उसमें 7 विकलांगताओं को शामिल किया गया था। उन 7 विकलांगताओं में यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि उन 7ों में से ये 4 दिए, उनमें से कौन सी नहीं है। तो ये 3ों उसमें थी, लेकिन मानसिक मंदता नहीं थी। फिर बाद में इसमें संशोधन हुआ था इस एक्ट में 2016 में, जब इसके अंदर जो है 21 विकलांगताएं शामिल की गई थी। उससे पहले जो 1995 में आया था, जो कि 1996 में लागू हुआ था, उसमें 7 जो है विकलांगताएं थी, लेकिन जब 16 में उसको मॉडिफाई किया गया तो उसमें 21 विकलांगताएं शामिल कर दी गई। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है, NEP 2020 मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। और ये सबको पता होगा और पता होना भी चाहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 87 पे। डैश का सुझाव है कि UGC, NIEPA, AICTE, NCERT आदि जैसी राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को राष्ट्रव्यापी शिक्षा प्रणाली का आकार देने में सक्षम बनाने के लिए मजबूत किया जाना चाहिए। तो ये किसका सुझाव था? तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर है कोठारी आयोग का, जो कि 1996 से 1964 के बीच का रहा है इसका जो टाइम पीरियड है। तो इन्होंने सुझाव दिया था कि ये जो दिए हुए आयोग वगैरह, तो इनका राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को एक राष्ट्रव्यापी शिक्षा प्रणाली का आकार देने में सक्षम बनाने में मजबूत किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा। और इनकी फुल फॉर्म अभी बैठ के लिख लेना, और ये कब इस्टेब्लिश हुए थे ये भी लिख लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 88 पे। स्मृति स्तर एवं समझ स्तर के शिक्षा मॉडल के वाक्य विन्यास में कौन सा चरण प्रमुख है? ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। विच स्टेप इज प्रोमिनेंट इन द सिंटेक्स ऑफ टीचिंग मॉडल ऑफ मेमरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल? तो यहाँ पे ये पूछा गया है योजना, सामान्यकरण, प्रस्तुति या फिर अन्वेषण। क्वेश्चन नंबर 88 का आपका आंसर है प्रस्तुति, सी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। कि स्मृति एवं समझ के स्तर के शिक्षण मॉडल के वाक्य विन्यास में कौन सा जो चरण है वो प्रमुख है, तो प्रस्तुति सबसे प्रमुख है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 89 पे। यदि किसी शिक्षक की कक्षा में कोई बच्चा समस्याग्रस्त बच्चा मिले तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे की बुराई बिल्कुल नहीं करोगे, उसे दंड बिल्कुल भी नहीं दोगे, बच्चे को वापस तो घर बिल्कुल भी नहीं भेजोगे, उसे परामर्श प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? परामर्श प्रदान करेंगे, हम उसकी काउंसलिंग करेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19, अभिगम्यता का अर्थ निम्नलिखित में से किस तक समान पहुँच है? जो अभिगम्यता है, असेसिबिलिटी इज, असेसिबिलिटी मीन्स इक्वल एसेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अभिगम्यता का अर्थ निम्नलिखित में से किस तक समान पहुँच है? ठीक है, तो 90 है इसका आंसर हो जाएगा डी। भौतिक पर्यावरण तक भी पहुँच है, पर्यावरण तक भी, और सूचना और प्रौद्योगिकी तक भी। 91 है RPWD एक्ट। मैंने बताया ना पहले PWD था, फिर R जोड़ दिया 2016 में। RPWD इसकी फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, प्लीज़ कमेंट करें, आई रिक्वेस्ट इट। 2016 के अनुसार आरक्षण प्रतिशत क्या है? 3% है। ठीक है, ये इसको याद रख लेना आप लोग। 91 का आंसर आपका हो जाएगा, गलत हो गया है, 91 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 4% है। ठीक है, कितना है? 4% है आपका RPWD एक्ट 2016 के अनुसार जो आरक्षण प्रतिशत है वो आपका है 4%। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 92 पे आगे बढ़ने से पहले 2 मिनट रुकेंगे, सिर्फ 2 मिनट।
क्वेश्चन नंबर हमारा 92 है, ब्रेल क्या है, ब्रेल क्या है ये आपको बताना है। तो ब्रेल नेत्रहीनों के लिए पढ़ने लिखने की प्रणाली है, ये सभी को पता है ब्रेल क्या है, एक प्रणाली है। ब्रेल में कितने डॉट्स होते हैं, 8, 6 या 4, इन तीनों में से एक ऑप्शन सही है, मुझे कमेंट करके बताएं। ब्रेल है उसमें डॉट्स होते हैं, बिंदु होती हैं, वो बिंदुओं की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको याद कर लेना कितने डॉट्स होते हैं क्वेश्चन नंबर। और ये जो ब्रेल लिपि है, जो ब्रेल लिपि है किसने मतलब जो है बनाई थी, ठीक है ये भी बताएंगे आप लोग। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 92 हो गया हमारा, 93 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता होनी चाहिए, अस्पष्टता तो गलत है, वो नेगेटिव वे में जा रहा है, तो 93 का ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ के आंसर तो देख के पता चल जाते हैं, उसमें इतना दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करती है, जो डाइवर्सिटी को वो प्रमोट करती है, ठीक है इंजॉय करती है। सख्त प्रवेश रॉन्ग, तथ्य जहाँ तथ्य आ जाए वो भी गलत हो जाएगा। हाशिए पर स्थित समूहों को शिक्षक में समूहों के शिक्षक शामिल, तो शिक्षक कहाँ से आ गए इसमें, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 95 पे आ जाओ। अब निम्नलिखित में से कौन वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है, नहीं पूछा है इन्होंने। देखो विकास निरंतर है, बिल्कुल हमारा जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू होता है, विकास दिशात्मक होता है, जो आपका 95 है विषय दिशात्मक होता है, एक दिशा होती है। विकास अपरिवर्तनीय होता है, विकास सार्वभौमिक होता है, बिल्कुल होता है, विकास अपरिवर्तनीय होता है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं विकास परिवर्तनीय नहीं, परिवर्तित होता है, चेंज होता है, ऐसा तो है नहीं कि एक बार हो गया विकास तो वही सेम वही रहता है, ठीक है। तो वो चेंजेबल होता है, सॉरी मतलब परिवर्तनीय होता है, इन्होंने बोला कि अपरिवर्तनीय, परिवर्तनीय होता है वो, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी के तीन सिद्धांत आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक विकास के ठोस परिचालन चरण की विशेषता नहीं है, इन्होंने नहीं पूछा है कि संज्ञानात्मक विकास के ठोस परिचालन चरण की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारी ये जो थ्योरी है संज्ञानात्मक विकास की, ये जीन पियाजे द्वारा दी गई थ्योरी है, और इन्होंने डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस बताए हैं, और उनमें से एक स्टेज है ठोस परिचालन चरण, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, क्या बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें इन्होंने पूछा है 4 स्टेजेस हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता नहीं है, तो 96 का आपका आंसर हो जाएगा डी। देखो कंक्रीट में क्या होता है कि बच्चे संरक्षण कर सकते हैं, बच्चे वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं, बच्चे वस्तुओं को क्रमबद्ध कर सकते हैं, लेकिन बच्चे परीक्षण और त्रुटि का उपयोग करके सवालों को हल कर सकते हैं, ये इसकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 पे आ जाइए। कोलबर्ग के सिद्धांत, जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी है वो दी है आपके कोलबर्ग ने, उनमें से कौन सा नैतिक विकास का चरण नहीं है, इन्होंने बोला है नहीं है। तो इनमें से 3 चरण तो हैं, लेकिन चौथा ऐसा कौन सा है जो नहीं है, तो है पूर्व परंपरागत है, पारंपरिक है, उत्तर परंपरागत है, लेकिन संक्रमणकालीन स्तर नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 98 पे आ जाओ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली पाठ्यक्रम के लिए अनुशंसित संरचना क्या है, तो ये सबको पता ही होगा, 5+3+3+4, पता है ना सबको इसका आंसर। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 98 है आपका, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, 5+3+3+4। अब आ जाओ 99 पे। शिक्षा की भाषाओं के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो शिक्षा की भाषाओं के संबंध में जो NEP 2020 है, उसका जो पहला फोकस है वो क्या है, उसका फोकस है ग्रेड 5 और उसके आगे तक क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना, तो 99 का आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी पाठ्यक्रम विकास का लक्ष्य है, दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी पाठ्यक्रम विकास का लक्ष्य है,
क्या लक्ष्य है? वो लक्ष्य है शिक्षा और अधिगम तक पहुंच को समान पहुंच की पहुंच को मतलब समान पहुंच को बढ़ावा देना कि हर कोई समान तरीके से शिक्षा और लर्निंग तक पहुंचे, ठीक है। और बाकी के तीन नहीं होंगे, एक बार पढ़ लेते हैं। उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा से अलग करना, क्यों अलग करोगी, है ना, गलत है ना। केवल शारीरिक अक्षमताओं को संबोधित करना बिल्कुल गलत है। देखो कुछ जो ऑप्शन है ना हमें पढ़ के नेगेटिव वाइब्स देते हैं, तो उनको वैसे ही साइड कर दिया करो। आगे है सभी विकलांगताओं के लिए एक मानकीकृत पाठ्यक्रम प्रदान करना, तो ये एक अलग ही मैटर हो गया है मानकीकृत पाठ्यक्रम प्रदान करना। अभी हमें बोला कि समावेशी पाठ्यक्रम विकास का लक्ष्य क्या है, ठीक है, पाठ्यक्रम आप प्रदान कर रहे हो, बट अभी हमारा लक्ष्य है कि हर बच्चे तक जो एजुकेशन है और लर्निंग है वो पहुँचे। अब आ जाओ 101 पे, और क्वेश्चन आपके 150 तक हैं टोटल, तो अभी उस अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चंस आपके अभी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, उच्च शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों का विशिष्ट लक्ष्य क्या है? ये आपको बताना है कि जो हाई एजुकेशन है उससे रिलेटेड जो राष्ट्रीय नीतियाँ हैं उनका जो विशिष्ट लक्ष्य है वो क्या है? तो उनका लक्ष्य है सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुँच का विस्तार करना। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, CWSN जिसकी फुल फॉर्म होती है चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स के लिए पाठ्यक्रम में जो पाठ्यक्रम डिज़ाइन में निरंतर मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? अगर आप CWSN के लिए कोई पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो उसको आप मतलब कंटिन्यू आप उसको इवैल्यूएट क्यों करेंगे, उस जो करिकुलम को क्यों करेंगे, ये आपको बताना है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि यह प्रगति की निगरानी करने और आवश्यक अनुसार निर्देश को समायोजित करने में मदद करता है। देखो नेगेटिव है, कार्यभार को बढ़ाता है, तो गलत हो जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि सभी छात्र समान गति का पालन करें, ये तो गलत है, नेगेटिव वाइब दे रहा है। मूल्यांकन CWSN के लिए प्रासंगिक नहीं है, तो ये भी गलत है, तो सी ऑप्शन आपका हमारा सही हो जाएगा। 103 है, समावेशी शिक्षा शास्त्र में सकारात्मक और समावेशी कक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा महत्व क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो 103 का आंसर है बी, सभी बच्चों के बीच अपनेपन और स्वीकार्यता की भावना को बढ़ावा देना। अगर आप क्लास में सकारात्मक और समावेशी कक्षा संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उसका महत्व होगा कि आप बच्चों में अपनेपन और स्वीकार्यता की भावना के विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, दिव्यांग बच्चों की पहचान में शीघ्र जांच की भूमिका क्या है? तो दिव्यांग बच्चे हैं, अगर आप उनकी जल्दी पहचान कर मतलब बच्चों की पहचान में शीघ्र जांच अगर आप जल्दी जांच कर लेते हैं तो उसकी क्या भूमिका है? तो 104 का आंसर हो जाएगा बी, तत्काल सहायता और हस्तक्षेप प्रदान करना। आप तत्काल सहायता देंगे और हस्तक्षेप यानी आपको कुछ हस्तक्षेप करना है, लाइक उसमें कुछ चेंज करना है या आप कहीं मदद करना चाहते हैं तो इस तरीके से उसमें मतलब हस्तक्षेप इन द सेंस कि आप अपने दिव्यांग बच्चों के जो पता चल जाती है तो चीज़ें हस्तक्षेप करके सही की जा सकती हैं, ठीक है, तत्काल सहायता देकर एक तरीके से ये बोला गया है, जैसे यहाँ इंग्लिश में भी है। बी था हमारा टू प्रोवाइड इमीडिएट सपोर्ट एंड इंटरवेंशन, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है हमारा यहाँ पे, शैक्षिक संदर्भ में दिव्यांग बच्चों का आकलन करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये आपसे पूछा गया है 105 कि शैक्षिक संदर्भ में दिव्यांग बच्चों का आकलन करने का, बच्चे का आप आकलन कर रहे हैं दिव्यांग बच्चों का, उसका जो पहला उद्देश्य है वो क्या है? तो उसका पहले उद्देश्य है अनुदेशात्मक योजना और समर्थन का मार्गदर्शन करना। बस उनका आईक्यू निर्धारित करोगे ये गलत है। छात्रों को आप चिन्हित बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, ये नेगेटिव है। उन्हें मुख्य धारा के कक्षाओं से अलग अलग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 105 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, दिव्यांग बच्चों की पहचान में बहुविषयक दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण? अगर दिव्यांग बच्चों की पहचान कर रहे हैं तो उसमें बहुविषयक दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है आपका? यहाँ पर पूछा है इन्होंने, Why is a multidisciplinary approach important in the identification of child with special need? क्यों ज़रूरत है उसकी? तो 106 का आपका आंसर हो जाएगा सी,
विविध अंतर्दृष्टि और विशेषज्ञता इकट्ठा करने के लिए। देखो अलग अलग हमारा दृष्टिकोण होगा तभी आप नई नई जो हम अंतर्दृष्टि एक तरीके से उनको देखने का नज़रिया है। और देखो ज़्यादा हम अलग अलग तरीके से सोचेंगे तो ज़्यादा हमें आइडियाज़ मिलेंगे जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए आगे उनके लिए जो भी स्ट्रेटेजी वगैरह बनाने में हेल्पफुल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 है यहाँ पे। NEP 2020 के अनुसार स्कूलों में अनुशंसित शिक्षक छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? तो एक टीचर पे 30 बच्चे होने चाहिए NEP 2020 के अकॉर्डिंग। वो बात अलग है, अभी है नहीं, तो मेरी क्लास में अभी 40 बच्चे हैं। 108 है, NEP 2020 शिक्षा शास्त्र में बदलाव की वकालत कैसे करती है? कैसे करती है? तो ये करती है हमारी अनुभवनात्मक और आलोचनात्मक सोच आधारित शिक्षा पर जोर देकर। ठीक है, तो अनुभवनात्मक तो ये शिक्षा पर जोर देती है, इसलिए ये शिक्षा शास्त्र में बदलाव की वकालत करती है। 109 है, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत अवलोकनात्मक शिक्षण पर जोर देना संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये हमारा अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है, जो हमारा सामाजिक शिक्षण का सिद्धांत है। तो ये हमारा अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, जो बेबी डॉल है जिन्होंने उस पर वो किया था ना थ्योरी दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हमारा है 110। किस मनोवैज्ञानिक ने मानवतावादी मनोविज्ञान और आत्मबोध पर जोर देते हुए ऑन बिकमिंग अ पर्सन लिखा है? किसने लिखा है? 110 का आंसर आपका हो जाएगा डी, कोल रोजर्स इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 111 पे। समावेशी शिक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया में माता पिता और देखभाल करने वालों को शामिल करने का क्या महत्व है? अगर आप उनके माता पिता या उनके देखभाल करने वालों को शामिल करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में तो उसका क्या महत्व है ये आपको बताना है। तो उसका महत्व ये होगा कि छात्रों की ताकत और चुनौतियों के बारे में सहयोग और समझ को बढ़ावा मिलेगा। और बाकी के 3 देखोगे तो वो नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, तो वो वैसे ही नहीं होंगे। अब आ जाओ 112 पे। 112 में बोला है 2006 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कार्यप्रणाली विकलांगता और स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण ICP पेश किया। ICP का प्राथमिक फोकस क्या है ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा बी, विकलांगता के सामाजिक मॉडल पर जोर देना। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 113। प्रश्न संख्या 113 की अगर हम बात करें तो भारत में कौन सा राष्ट्रीय संस्थान शिक्षा और पुनर्वास के माध्यम से जो बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है, ऐसा कौन सा राष्ट्रीय संस्थान है ये आपको बताना है। तो ये आपका है, देखो यहाँ पे है बौद्धिक विकलांग व्यक्ति, तो मानसिक रूप से हो गया जो बौद्धिक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा NIMH, मानसिक रूप से विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान। और ये जितने भी हैं प्लीज़ इनकी फुल फॉर्म्स को याद कर लेना, इनको कहीं नोट डाउन कर लेना और इसको बार बार रिवाइज करना। क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप लोग 114 पे। फिल्म माई नेम इज़ खान, हाँ मुझे याद आ गया, और अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था उसमें है ना जो ऑटिज़म का है, तो माई नेम इज़ खान मूवी थी वो, तो उसमें व्यक्ति के सामने किन चुनौतियों को संबोधित करती है? तो मैंने बताया था जैसा कि आपको, तो 114 का आंसर भी है ऑटिज़म, जो अभी पहले क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने बताया था, तो ऑटिज़म से रिलेटेड है वो जो माई नेम इज़ खान है। तारे ज़मीं पर मूवी है, उसमें जो डिसेबिलिटी जो लर्निंग डिसेबिलिटी की बात की गई है वो कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है ये आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। 115 है, RTE अधिनियम के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान शब्द का अर्थ क्या है? इसका क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो इसका अर्थ है कि प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौम बनाने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है हमारा SSA। और RTE एक्ट हमारा कब लागू हुआ था ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और बीच बीच में जो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ प्लीज़ उनको ऐसे निग्लेक्ट मत किया करो कि छोड़ो, या जो है प्लीज़ टाइप कर दिया करो कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको नहीं पता है वो चीज़ आप प्लीज़ उसको सर्च करें, क्योंकि एग्ज़ाम में कब क्या आ जाए कुछ नहीं पता। अंधापन लोगों को चीज़ों से अलग करता है, बहरापन लोगों को लोगों से अलग करता है, यह किसने कहा था? ये किसकी स्टेटमेंट है? ये है सुश्री हेलन केलर की।
प्रश्न संख्या 117 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेष शिक्षा परामर्शदाता की प्रमुख भूमिका है, जो एक स्पेशल एजुकेशन का जो काउंसलर होता है उसकी जो मेन जो इम्पोर्टेंट रोल है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका है व्यक्तिगत योजनाएं बनाने के लिए शिक्षकों अभिभावकों और छात्रों के साथ सहयोग करना, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 18 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मार्गदर्शन और परामर्श प्रक्रिया में माता पिता या देखभाल करने वालों को शामिल करने का क्या महत्व है, क्या महत्व है अगर आप जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनको अगर मार्गदर्शन और परामर्श में जो प्रोसेस है उसके अंदर आप पेरेंट्स को या उनका देखभाल करने वाले को शामिल करते हो तो क्या महत्व है। इससे बच्चे की स्थिति को माता पिता को दोषी ठहराओगे तो नेगेटिव वे में जा रहा है तो इसको काट दोगे। माता पिता को शैक्षिक यात्रा से बाहर करना गलत, सहयोग और समर्थन के लिए समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, तो सी हो जाएगा, हतोत्साहित करना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव चीज़ें वैसे ही हटा दिया करो। 119 है, मैनार के शब्द का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 119 है इसका जो आंसर है वो है लड़कियों में यौवन की शुरुआत, ठीक है। आई थिंक आई एम ठीक प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ मीनार के, गलत किया हो तो वो भी बताना क्योंकि मैं ये वर्ड ही आई थिंक पहली बार पढ़ रही हूँ मीनार के, ठीक है। उसके बाद हमारा है 120 अल्बर्ट बंडूरा, जिन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, ठीक है। मतलब जो अनुकरण के ऊपर बेसिकली इन्होंने फोकस किया था, इमिटेशन पे, ठीक है। सामाजिक बंडूरा के विकास के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख अवधारणा है, कौन सी प्रमुख अवधारणा है, तो 120 का आंसर हो जाएगा सी, पारस्परिक नियतिवाद इसका सही उत्तर हो जाएगा 120 का। और ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू थ्योरी, तो थ्योरी को जैसे लाइक अल्बर्ट बंडूरा है तो आप लोग अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी को अच्छे से करेंगे, उसके जो स्टेप्स हैं उसको अच्छे से देखेंगे, उसमें जो एज है उसको अच्छे से चेक करेंगे। और अगर किसी थ्योरी में अगर आपको कोई डाउट है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं मे बी नेक्स्ट वीडियो में आपको उस चीज़ उस थ्योरी के बारे में समझा पाऊँ। अब्राहम मास्लो पूरा नाम है इनका, मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार किसी व्यक्ति को उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की ओर बढ़ने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, एक जो है ये पिरामिड एक तरीके से दिया है अब्राहम मास्लो ने। तो ये नीड्स होती है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इसमें जो है इन्होंने पूछा है कि पदानुक्रम के अनुसार ऐसे ये जा रही है नीड्स, तो किसी व्यक्ति को उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की उच्च स्तरीय आवश्यकता की ओर बढ़ने से पहले कौन सी आवश्यकता उसकी पूरी होनी चाहिए, ये आपसे बोला है। तो इसमें है सुरक्षा की आवश्यकता, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये भी है, इसको पढ़ लेना एक बार मास्लो की थ्योरी, एक बार कोई वीडियो वगैरह देख लेना। 122 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी संस्कृति के मूल्यों विश्वासों और मानदंडों को सीखते हैं और आत्मसात करते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी संस्कृति के मूल्यों विश्वासों और मानदंडों को सीखते हैं और उसको आत्मसात करते हैं, वो जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है संस्कृतिकरण, क्या कहलाता है संस्कृतिकरण। 123 है, आइडेंटिटी डिफ्यूजन की अवधारणा का तात्पर्य है, 123 का आंसर हो जाएगा बी, एक पहचान के प्रति प्रतिबद्धता की कमी और अन्वेषण की कमी। 124 है हमारा, कौन सा चिकित्सीय दृष्टिकोण एक ऐसा वातावरण बनाने के महत्व पर जोर देता है जो व्यक्ति की अद्वितीय आवश्यकताओं और क्षमताओं का समर्थन करता है। तो एक चिकित्सीय दृष्टिकोण कौन सा ऐसा है जो ऐसा वातावरण बनाने पर जोर देता है जो व्यक्ति की अद्वितीय आवश्यकताओं और क्षमताओं का समर्थन करता है, तो 124 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा। नेक्स्ट है हमारा 125, संचार विकार वाले बच्चों के लिए वाक भाषा चिकित्सा का प्राथमिक फोकस क्या है, जो संचार विकार वाले बच्चे होते हैं उनमें वाक भाषा चिकित्सा का जो प्राथमिक फोकस होना चाहिए वो क्या है, तो वो हमारा है संचार कौशल को बढ़ाना, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है हमारा, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण से आप क्या समझते हैं, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो What do you understand by the term positive reinforcement? ठीक है, जो positive reinforcement है उससे आप क्या समझते हैं, तो 126 का आंसर हो जाएगा आपका सी, सकारात्मक व्यवहारों की संभावना बढ़ाने के लिए उन्हें पुरस्कृत करना, कि बच्चा पॉजिटिव उसके अंदर चेंज आए उसको बढ़ाने के लिए उसको पुरस्कृत करना।
सहयोगात्मक समस्या समाधान, बातचीत और संघर्ष समाधान ऐसे कौशल हैं जिन्हें प्राय डैश में लक्षित किया जाता है। तो किस में लक्षित किया जाता है? तो ये आ जाएगा सामाजिक कौशल है, समस्या समाधान, बातचीत, संघर्ष समाधान, तो ये सब हमारे सामाजिक कौशल के अंदर आते हैं। 128 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता में सहायक प्रौद्योगिकी का उद्देश्य है, जो आईटी तो नहीं कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए? तो वो है संचार गतिशीलता या सीखने को बढ़ावा देना। बाकी सारे तो देखो नेगेटिव तरीके से आ रहे हैं पॉइंट, है ना। फर्स्ट वाला फिर भी ठीक है, बट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। 129 है, निम्नलिखित में से कौन सा NCF द्वारा अनुशंसित नहीं है? त्रिभाषा है, अंग्रेजी में प्राथमिक शिक्षा, नेगेटिव तो नहीं कहेंगे बट ये नहीं है, ठीक है, मतलब ये बी वाला सही है। बाकी तीनों चीज़ें NCF में बात की गई उनके बारे में। 130 है, शिक्षण प्रभावशीलता का मूल्यांकन किसके संदर्भ में किया जाना चाहिए? छात्रों की रुचि, पाठ्यक्रम कवरेज, छात्रों के सीखने के परिणाम, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग। तो छात्रों के सीखने के जो परिणाम सामने आएंगे उससे पता चल जाएगा कि शिक्षण प्रभावी रहा या नहीं, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। 131 है, शिक्षण के निम्नलिखित चरणों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शिक्षण है एक, हम मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसका कुछ एक क्रम होता है, तो ये हमें क्रम बताना है कि यहाँ पे कोट दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होगा आपका, शिक्षण का निदान, लक्ष्य और सामग्री तय करना, क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं, शिक्षण के प्रति प्रतिक्रिया, रणनीति के बारे में निर्णय, उपयुक्त परीक्षण उपकरण। तो जो 131 है आपका, इसका जो आंसर है आपका, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 131 है यहाँ पे आपका। यहाँ आपसे ये पूछा गया है कि जब आप पढ़ाते हैं तो शिक्षण के ना कुछ स्टेप होते हैं, लाइक लेसन प्लान जो आप बनाते हैं उसके कुछ स्टेप होते हैं, तो आपको इनको क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले तो यही है कि आप लक्ष्य और सामग्री तय करेंगे। देखो लक्ष्य सबसे पहले आएगा, जब आपको पता ही नहीं होगा कि हम क्या चीज़ करवा रहे हैं या कोई चैप्टर भी है तो वो क्यों करवाया जा रहा है, तो उसका लक्ष्य पता होना चाहिए। तो सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा यहाँ पर आपका। जो है सेकंड वाला फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो तो सेकंड फर्स्ट पे कौन से नंबर पे है, तो उस हिसाब से ये दो ऑप्शंस कट जाएंगे। जब आप लक्ष्य आपका निर्धारित हो गया है तो फिर उसके बाद आप रणनीति के बारे में विचार करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इनको जब स्टेप में बिठाएंगे तो आपका इसका जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो सारे स्टेप्स हैं और जो प्रतिक्रियाएँ वगैरह हैं ये सब लास्ट में आप लेते हैं तो इसको, ठीक है। और PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आप ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब उसके बाद है रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, रचनात्मक मूल्यांकन होता है तो उसका जो उद्देश्य है वो क्या है, ये आपसे पूछा गया है, जो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो इसमें जो 132 है इसका जो आंसर है वो है बी, छात्रों के सीखने के प्रदर्शन में तेजी लाना, ये इसका उद्देश्य होता है मूल्यांकन का।
ऑडियो विजुअल किस प्रकार का शिक्षण उपकरण है, जो ऑडियो विजुअल होता है सुन भी लो देख भी लो, वो किस तरीके का जो है शिक्षण उपकरण है, तो वो फिल्म स्ट्रिप है जिसे आप देख भी सकते हैं। देखो प्रोजेक्टर को आप देख रहे हो सिर्फ, रेडियो को सुन रहे हो, उपयुक्त सभी हो नहीं सकता। फिल्म स्ट्रिप आप देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। उसके बाद हमारा है 134, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, वेब ब्राउज़र नहीं है ये आपको बताना है। तो फायरफॉक्स है, फेसबुक एक वेब ब्राउज़र नहीं है, क्रोम है, सफारी है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 135 है, शिक्षण कंडीशनिंग और प्रशिक्षण से इस मायने में भिन्न है क्योंकि यह डैश को बढ़ावा देता है। जो शिक्षण होता है वो कंडीशनिंग और प्रशिक्षण से किस मायने में भिन्न है, ये किसको बढ़ावा देता है जो शिक्षण होता है हमारा, तो ये देता है आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, ठीक है। कंडीशनिंग है वो एक तरीके से अनुशासित अभ्यास होता है, और प्रशिक्षण तो नहीं आएगा, तथ्यों पर महारत, ये तो नेगेटिव ही जा रहा है। 136 पे आ जाइए, व्यक्तिपरक कल्याण प्राप्त करने और छात्रों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने में प्रभावी बनने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन से बौद्धिक गुणों को विकसित होना चाहिए एक टीचर के अंदर कि बच्चों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता से संबंधित। उसके बाद हमारा है 137, दीक्षा, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय स्कूल मंच है, यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह भी हमारी होती है, तो किसने ये शुरू किया है 137, तो इसका ऑप्शन है ए, NCERT की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, बाकी इनके भी फुल फॉर्म याद कर लेना, अच्छे से कब इस्टेब्लिश हुए थे ये भी याद कर लेना। स्वयं प्रभा डैश चैनलों का एक सेट है, स्वयं प्रभा डैश चैनलों का एक सेट है, और ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, तो इसमें जो है 138 का इसका है डी, 7DTH। उसके बाद हमारा है 139, निम्नलिखित में से कौन सी वयस्क शिक्षार्थी की विशेषता नहीं है, नहीं इन्होंने पूछा है कौन सी वयस्क शिक्षार्थी की विशेषता नहीं है, तो परिणामोन्मुखी, भविष्य उन्मुख, स्वनिर्देशित, समस्या केंद्रित, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, जो वयस्क शिक्षार्थी है उसका वो परिणामोन्मुखी हो सकती है, स्वनिर्देशित हो सकती है, समस्या केंद्रित, लेकिन भविष्य उन्मुख जो है उसकी विशेषता नहीं है। 139 का आंसर है आपका बी। अब चलिए 140 पे, 140 निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे शिक्षक का लक्षण नहीं है, नहीं पूछा है, तो 140 का जो आंसर है वो ए से ही पता चल रहा है, वर्ग में अधिनायकवादी, न्याय में विश्वास रखता है, ये पॉजिटिव लक्षण है टीचर का, सकारात्मक दृष्टिकोण, वह आजीवन शिक्षार्थियों स्वयं को मतलब लर्निंग करता रहता है हमेशा, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 141, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, तो प्रेरणा का सिद्धांत होता है, गतिविधि का सिद्धांत होता है, रुचि का सिद्धांत होता है, अनिश्चित लक्ष्य का सिद्धांत होता है, तो इनमें से 141 में से आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत नहीं है, नहीं इन्होंने बोला है इन्होंने, तो हमारा जो 141 है इसका जो आंसर है, अच्छा इन्होंने ऐसे दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो अनिश्चित लक्ष्य का देखो, निश्चित लक्ष्य होता है, ऐसा कुछ नहीं है कुछ भी अनिश्चित लक्ष्य बना लिया और आप करे जा रहे हो, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के सिद्धांत होते हैं लेकिन जो शिक्षण होता है उसमें अनिश्चित लक्ष्य का सिद्धांत नहीं होता है। अब आ जाइए 142 पे, अब हमारे 8 क्वेश्चन और रहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक अच्छा सीखने का माहौल सम्मिलित करता है, 142 का आंसर है डी, उपयुक्त सभी, एक अच्छा भौतिक वातावरण, परिचित संस्कृति, संबंधित संदर्भ, तो ये सभी जो है सीखने, अच्छे सीखने के माहौल को क्रिएट करते हैं, मतलब सम्मिलित करते हैं माहौल को। 143 है, शिक्षण रणनीतियों में कौन सा सेट सीखने को अधिकतम करने के सबसे अधिक संभावना रखता है, 143 देखो व्याख्यान तो सबसे ज़्यादा इतना इफेक्टिव नहीं होता है, व्याख्यान वाले पहले ही हटा दो, ठीक है, व्याख्यान वाले अभी हटा दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे व्याख्यान है, व्याख्यान नियोजित व्याख्यान और पावर पॉइंट यहाँ पे है, इंटरैक्टिव व्याख्यानों के बाद, देखो यहाँ पे इंटरैक्टिव व्याख्यान बोले गए हैं ना, यहाँ पे खाली व्याख्यान तो पहले हटा ही दो, अब यहाँ पे है व्याख्यान और नियोजित, यहाँ इन दोनों में से हम ढूंढ सकते हैं, तो इनमें सबसे जो बेस्ट है वो सी है, देखो इंटरैक्टिव व्याख्यानों के सत्र के बाद चर्चा होनी चाहिए, है ना, यहाँ पे
चर्चा यहाँ पर पावर पॉइंट की प्रस्तुतियाँ हैं, लेकिन व्याख्यान के बाद चर्चा सत विचार मंथन होना चाहिए, परियोजनाएं होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी और सी में से अगर आप कंपेयर करोगे तो सी ऑप्शन सही है इसका, जो 143 का। अब आ जाओ 144 पे, और सारे ऑप्शन हमें सही लगते हैं, बट हमें बिल्कुल बेस्ट वाला चूज़ करना होता है। डैश सोच के बारे में सोचना हमारी अपनी सीखने की प्रक्रिया को विनियमित करने में हमारी अपनी क्षमता का प्रमुख घटक है। 144 का आंसर है सी, मेटा कॉग्निशन होता है। मेटा कॉग्निशन सोच के बारे में सोचना हमारी अपनी सीखने की प्रक्रिया को विनियमित करने की हमारी अपनी क्षमता का जो होता है वो प्रमुख घटक होता है। ठीक है, कि हमारी जो सोच है हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके बारे में जो हमारी हमारी क्षमता है कि हम किस तरीके से अपनी सोच के बारे में सोच पा रहे हैं, ठीक है, और सीखने के प्रोसेस को हम कैसे नियोजित कर पा रहे हैं, विनियोजित कर पा रहे हैं, तो वो सारा मेटा कॉग्निशन होता है। 145 डैश के सिवाय सीखने की प्रक्रिया में समस्याओं के कारण निम्नलिखित कारणों से बच्चों को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं। डैश के सिवाय सीखने की प्रक्रिया में समस्याओं के कारण निम्नलिखित कारणों से बच्चे काम को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो 145 का आंसर है बी। देखो यहाँ पे अनुक्रमण संबंधी समस्या, अमूर्त समस्या, याददाश्त की समस्या, ये समस्याएं हो सकती है कि बच्चा असमर्थ हो सकता है, लेकिन मनमानी तो एक उसका अपना पर्सनल वो हो गया ना, ये चीज़ तो जेन्युइन हो सकती हैं, बट मनमानी कर रहा है इस वजह से काम नहीं पूरा कर पा रहा, तो ये एक अलग मैटर हो गया। 146 है हमारा, एक शिक्षक अपने छात्रों में संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ावा देना चाहता है। संज्ञानात्मक कौशल हमारा माइंड से रिलेटेड होता है। इस प्रयोजन के लिए उसे निम्नलिखित से किससे बचना चाहिए। 146 तो त्रुटियों के बिना चर्चा को खारिज करना गलत है। गलती तो होती है ना बच्चे से, आप ऐसे तो है नहीं, आप त्रुटियों के बिना मतलब चर्चा को खारिज कर देना, जो समझ में नहीं आता उसे पहचानना, ये सही है। उत्तरों के लिए सहज ज्ञान युक्ति भविष्यवाणी करना, ये भी सही है। आत्म प्रश्न करना और आत्मनिरीक्षण करना, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो कि गलत है। 147 है, व्यक्तियों के पास जो ज्ञान होता है उसकी अपनी सोच होती है और वह स्वयं कैसे सीखते हैं यह कहलाता है। 147 का है बी, और जैसा कि मैंने अभी अपने बताया था कि मेटा कॉग्निशन जो होता है, अभी ऊपर हमने क्वेश्चन किया था कि हम अपनी सोच के बारे में कैसे सोचते हैं और कैसे नियोजित करते हैं, वो सारा मेटा कॉग्निशन कहलाता है। 147 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 147 का बी। 148 का है, निम्नलिखित में से कौन ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ब्रूनर ने भी दिया था, तो इनमें से उनका जो है कौन सा चरण नहीं है 148 का, तो सक्रिय चरण है, प्रतीकात्मक चरण है, प्रतिष्ठित चरण है, लेकिन सहज चरण इसमें इनके जो चरण दिए हैं उन्होंने उसमें नहीं है। 149 है, संज्ञानात्मक विकास और सीखने पियाजेट और वाइगोत्स्की ने दिया है, संज्ञानात्मक पियाजेट ने और वाइगोत्स्की ने के दो दृष्टिकोणों के आधार पर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 है NCF का शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जैसे बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। NCF और RTE एक बच्चे को डैश के रूप में देखते हैं। जो NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और RTE राइट टू एजुकेशन, वो बच्चे को किस रूप में देखते हैं, तो 149 का जो आपका आंसर है वो है ए, ज्ञान के सक्रिय निर्माता, मतलब वो अपने आप, ऐसा नहीं आप जाके उन पर ज्ञान थोप दोगे, वो अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा है चॉम्स्की के अनुसार भाषा प्राप्त करने की जन्मजात क्षमता हमारी विशिष्ट मानव जैविक विरासत का परिणाम है, जिसे डैश कहा जाता है, और चॉम्स्की के क्वेश्चन तो सीटेट हिंदी में बहुत भर भर के आते हैं, और तो यहाँ पे पूछा है कि उन्होंने बोला है कि भाषा प्राप्त करने की जो जन्मजात क्षमता होती है हमारी, वो विशिष्ट मानव जैविक विरासत का परिणाम होती है, कि हमें विरासत में मिली होती है, और उसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। 150 तो इसका जो आंसर है वो है LAD, इसको शॉर्ट फॉर्म है लैंग्वेज एक्वाइजिशन डिवाइस, तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और इस तरीके से हमने जो इम्पोर्टेंट कुछ लास्ट के क्वेश्चंस थे इसी पेपर में, GK वगैरह, हिंदी वगैरह के क्वेश्चंस हैं, तो वो जल्दी मैं वीडियो लेकर आऊँगी, और जैसे ही वो वीडियो डन हो जाती है देन उसके बाद आई विल प्रोवाइड दिस PDF इन माई न्यू टेलीग्राम ग्रुप, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ।
सो थैंक यू सो मच। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कहीं कुछ सजेशन हो तो वो भी आप लोग मुझे दे सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।